थाना स्वार के मामले में नामित अभियुक्त साजिद पुत्र वाजिद अली निवासी अलीनगर उत्तरी थाना स्वार रामपुर के विरुद्ध 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत आदेशिका जारी की जाती है। यह आदेशिका विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के दिनांक 26/9/2024 के अंतर्गत नियमानुसार जारी की गई है। जनपद रामपुर की कोतवाली सुहार में कुछ दिन पहले एक युवती का अपहरण के बाद दुष्कर्म का मामला काफी चर्चाओं में था। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया था और इस मामले का मुख्य आरोपी साजिद, जो ग्रीन सिटी हॉस्पिटल का संचालक है, वह अभी तक फरार है। पुलिस ने कई जगह साजिद को गिरफ्तार करने के लिए दबिश भी दी थी, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, जिसके बाद पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था। आज पुलिस ने मुख्य आरोपी साजिद के अस्पताल सहित उसके निवास और सुहार में कई जगह ढोल नगाड़े पीट कर साजिद के नाम की कुर्की की उद्घोषणा की कार्रवाई की गई है। ये पूरा मामला युवती के अपहरण के बाद दुष्कर्म का था, जो कि काफी चर्चाओं में था, जिसमें पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, क्योंकि मुख्य आरोपी साजिद अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। इस मामले में एक अभियुक्त मुदस्सिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और साजिद की गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस लगी हुई है। एक बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में ग्रीन सिटी हॉस्पिटल के संचालक साजिद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विस्तृत विवेचना में तथ्य सही पाए गए, इसके आधार पर थानास्वार पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के प्रयास किए गए, परंतु गिरफ्तारी न होने की दशा में उसके विरुद्ध कुर्की की उद्घोषणा की कार्रवाई की गई है और आज थानास्वार पर उसके हॉस्पिटल और उसके निवास स्थान के आसपास के क्षेत्रों में मुनादी करके उद्घोषणा की गई है।